नमस्कार, मेरा नाम कुसुम महेश्वरी और आज की वीडियो में चैम्बरलीन की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं कई वीडियो मोनोप्लास्टिक कंपटीशन पे बना चुकी हूँ और चैम्बरलीन के भी तीनों मॉडल हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है एक्सेस कैपेसिटी की। एक्सेस कैपेसिटी या अतिरिक्त क्षमता हर एक जगह पाई जाती है। यदि हम भी देखें तो हम जितना कर सकते हैं एक दिन में उतना काम नहीं करते हैं। हम दिन में 15 घंटे भी पढ़ सकते हैं यदि हमारे एग्जाम आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में हम जितना पढ़ते हैं रूटीन में हम 1 घंटा 2 घंटा मुश्किल से पढ़ते हैं, या वो भी नहीं पढ़ते बहुत सारे लोग। तो एक्सेस कैपेसिटी, वही हमारी एक्सेस कैपेसिटी है कि रूटीन में आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं और एग्जाम टाइम में आप 15 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो 15 माइनस 1 आवर यानी जो आपका 14 आवर्स की एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी है। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या हुई? यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक्सेस कैपेसिटी है कि जो एक फर्म आइडियल उसका आउटपुट हो सकता है माइनस वो जो एक्चुअली वो आउटपुट तैयार कर रही है, तो वो जो डिफरेंस होगा वही हमारी एक्सेस कैपेसिटी है कि वो इतना कर सकती थी लेकिन उसने किया कितना, इतना, दैट इज एक्सेस कैपेसिटी। तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम एक्सेस कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को देखें तो सिंपली परफेक्ट कंपटीशन का जो हम स्टैंडर्ड मेजर लेते हैं वो उस परफेक्ट कंपटीशन से लेते हैं कि LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे जो आउटपुट है वो हमारा आइडियल आउटपुट है, सोशली ऑप्टिमल आउटपुट कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लांट पे ये इतना आउटपुट होना चाहिए। लेकिन हम यदि इसके किसी और पॉइंट पे, मान लीजिए से यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब इतना जो है हमारी एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब इतना और बनाया जा सकता था। हम यहाँ हैं लेकिन हम यहाँ तक पहुँच सकते थे, राइट? तो ये हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। गस्टिव कैसल, मिसेज जॉन रॉबिन्सन और कुछ इकोनॉमिस्ट इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं होता। तो क्या होता है? मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन मार्केट में होता है, तो वहाँ पर ARMR जो है उसकी शेप इस तरह से होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा ही इसके यानी कि LAC के मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट साइड पर ही होगा, है ना? राइट पे नहीं हो सकता, लेफ्ट पे ही होगा। तो लेफ्ट पे होगा तो इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी तो रहेगी। अब उसके मेजर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो वही जो आइडियल हमने यहाँ किया। आइडियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी एक्सेस कैपेसिटी इस पॉइंट पे, यदि हम SAC के इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो हमारी एक्सेस कैपेसिटी इतनी है, Q1 Q*, है ना? इतनी एक्सेस कैपेसिटी है हमारे पास। लेकिन गस्टिव कैसल कहते हैं कि एक फर्म जो SAC 1 पर काम कर रही है, क्योंकि ये लॉन्ग रन कर्व है, लॉन्ग रन क्या होता है, बहुत सारे शॉर्ट रन से मिलकर बनता है, तो शॉर्ट रन में हम लोग इस पॉइंट, इस जो है AC पे काम कर रहे हैं, इस प्लांट पे काम कर रहे हैं, इस प्लांट पे काम करते हुए हम इस पॉइंट पे यानी अगले प्लांट के इस पॉइंट पे तो पहुंच ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में एक्सेस कैपेसिटी का मेजर क्या होगा, यानी हम उसको मापेंगे कैसे? तो मापेंगे ऐसे कि इसी प्लांट के मिनिमम पॉइंट से, है ना, कि यहाँ पे हम पहुँच कहाँ सक सकते हैं, यहाँ तो हम पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि हमारा तो एरिना यही है, तो इसलिए हम कहाँ पहुँच सकते हैं, मैक्सिमम हम Q1 से Q2 पर पहुँच सकते हैं। तो हमारी एक्सेस कैपेसिटी क्या है? Q1 से Q2, राइट? तो ये है, यदि सोशली देखा जाए तो ये है, लेकिन इंडिविजुअल प्लांट जो इस पर काम कर रहा है उसकी एक्सेस कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही होगी। तो अब बात करते हैं कि चैम्बरलिन इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहते हैं। पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि चैम्बरलिन मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी कहते किसे हैं। तो चैम्बरलिन कहते हैं कि यदि फ्री एंट्री हो मार्केट में, जैसे कि ये कर्व्स बता रहे हैं, आई होप कि आपने ग्रुप इक्विलिब्रियम किया हुआ है। यदि आपने ग्रुप इक्विलिब्रियम नहीं समझा हुआ है तो ये डायग्राम आपको यहाँ समझने में दिक्कत आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ग्रुप इक्विलिब्रियम को समझें, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को। तो यदि चैम्बरलिन जो हैं वो कहते हैं कि यदि आपका फ्री एंट्री है मार्केट में, यानी कि मार्केट में फर्म्स आ रही हैं, तो नेचुरल है यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, LAC नीचे है, डिमांड का ऊपर है, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट को देख के बहुत सारी मार्केट में फर्म्स आ जाती हैं, फर्म्स के आने से जो शेयर है मार्केट में प्रोपोर्शनल डिमांड का उससे जो दिख रहा है वो शेयर मार्केट में घट जाता है,
फर्म का, तो फर्म का शेयर अब इतना रह गया है। अब इस सिचुएशन में ये आपका पसिव डिमांड कर्व है, LAC यहाँ पर प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व को टेंजेंट है। तो यहाँ यदि इक्विलिब्रियम होता है, जो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो हम OQ0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यदि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन चैम्बरलिन ने भी कहा और बाकी इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि यहाँ तक पहुँचना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो चैम्बरलिन क्या कहते हैं? चैम्बरलिन कहते हैं कि यदि प्राइस कंपटीशन चलता रहे मार्केट में, प्राइस कंपटीशन यानी कि फर्म्स अपने परसीव डिमांड कर्व को लेकर और प्राइसेस को कट करती रहें, तो ये पॉसिबल है कि वो इस लेवल को अचीव कर जाएं। किस लेवल को? यहाँ पर, कि उनका डिमांड कर्व स्लैश होता होता नीचे आता आता स्लाइड करता करता यहाँ तक पहुँच सकता है, ये डी स्टार कह लीजिए, यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहीं पर, और जब यहाँ तक पहुँचेगा तो नेचुरल है कि बहुत सारी फर्म्स को नुकसान होगा, तो नुकसान होगा, लॉस एंकर करेंगी, तो लॉस जब उनको होगा तो बहुत सारी फर्म्स को मार्केट छोड़ के भी जाना पड़ेगा। जब वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, तो ये जो डिमांड कर्व है, जो शेयर बता रहा है आपको प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, वो भी आपका खिसक के कहाँ आ जाएगा? यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा, है ना? तो वो यहाँ, यानी कि शेयर पहले जो घटा था, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो मैक्सिमम आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, ये आपका Q1 जो है वो आपका आइडियल आउटपुट है। चैम्बरलिन कहते हैं ये आइडियल आउटपुट है जो कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अचीव कर सकते हो, और वो भी प्रोवाइडेड कि यदि प्राइस कंपटीशन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी प्राइस भी कम हो जाए, कॉस्ट भी कम हो जाए और आउटपुट भी ज़्यादा हो जाए। तो यही आउटपुट एक फर्म अटेंड कर सकती है। लेकिन चैम्बरलिन ये भी बताते हैं कि इसको अटेंड करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्यों? क्योंकि जो एक्सेस कैपेसिटी है एक्चुअल में चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग, वो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वेराइटी है। कि जब आप वेराइटी को प्रोवाइड करते हो, जैसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए एक डायर है। डायर कौन होता है? जो रंगने वाला, जो कपड़े रंगता है। तो डायर है, उसको 50 शर्ट्स रंगनी है, ठीक है? तो यदि तो वो चाहे तो एक बड़ा टब ले और उसमें रंग और पानी डाले और उबाले और 50 की 50 शर्ट्स को रेड कलर में रंग दे, ठीक है? तो क्या होगा? तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, हर एक कोई रेड शर्ट पहन के थोड़ी घूमेगा। तो नेचुरल है, उसको क्या करना पड़ता है? फर्म जो है उस काफ़ी सारे कलर्स लेके आती है, कोई 15-20 कलर लेके आती है, और उसमें अलग अलग कलर्स में उसको रंगती है। जब अलग अलग कलर्स में हम उसको रंगेंगे तो नेचुरल है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, कलर्स भी एक्स्ट्रा लगेंगे, पानी भी लगेगा, गैस भी लगेगी। तो क्या हुआ? आपने वैरायटी प्रोवाइड की, आपने कलर्स प्रोवाइड किए उस शर्ट के अंदर, अलग अलग साइज प्रोवाइड किए, तो उसकी एक कॉस्ट होती है, और वही कॉस्ट एक्चुअल में एक्सेस कैपेसिटी है। ये एक्सेस कैपेसिटी है ना, इट इज़ बिकॉज कि हम सारी शर्ट्स को यहाँ तक नहीं लेके आ सकते थे, हमें जो है रेड कलर की इतनी ही शर्ट्स देनी है, राइट? मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, आई होप। तो ये बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग वेराइटी है, नंबर वन। नंबर टू, एक्सेस कैपेसिटी इसलिए रहती है सिस्टम में क्योंकि प्राइस कंपटीशन नहीं होता। यदि वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर तभी पहुँचेंगे जब प्राइस कंपटीशन होगा। और आम तौर पर चैम्बरलिन कहते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर प्राइस कंपटीशन नहीं होता। उसके कारण देखिए कि जी और जी ने दो का सिद्धांत, कि हम कहते हैं कि हम क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाएं, हम अपना चुप करके उसको करने दो। यदि वो ज़्यादा प्राइस ले रहा है, कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो करने दो। तो लिव एंड लेट लिव वाला फॉर्मूला चलता है। टैसिट एग्रीमेंट्स भी होते हैं। यदि मान लो चार लोग हैं जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपस में समझौता कर लेते हैं कि हम मार्केट में इससे ज़्यादा सामान नहीं लेके आएंगे, क्योंकि लेकर आएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? प्राइस कम हो जाएगी। यदि हम इतनी सप्लाई करते हैं तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, राइट? तो इस वजह से उनका टैसिट यानी गुपचुप समझौता कर लेते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं वो भी हमें अलाउ नहीं करते कि हम प्राइस को लेके कंपीट करें। देन कम्स कि ये भी समझा जाता है, उनको लगता है कि यदि हमने ज़्यादा चीज़ को ले आए मार्केट में, देखिए एक सूट की यदि बहुत एक सूट
एक तरह का कपड़ा बहुत फैब्रिक बहुत आने लग जाए तो आमतौर पर उसकी डिमांड घट जाती है कि ये तो घटिया है, हर किसी ने पहना है, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि लोअर प्राइस करके लोग ये समझें कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही पुअर है। फिर हिडन कट्स हैं बहुत सारे जो है कि वो चुप करके नॉन प्राइस कंपटीशन को जो है वो एंजॉय करते हैं, कोई और तरीका ढूंढते हैं, बाय वन गेट वन थ्री या कुछ और तरह के जो है फायदे वो दे देते हैं अपनी फर्म को, तो इस तरीके अपने कस्टमर्स को, तो ये तरीके अपनाते हैं बजाय के प्राइस कंपटीशन में पड़ने के। तो इसलिए ये एक्सेस कैपेसिटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यही चैम्बरलिन ने बताया। तो इस वजह से हमें हाई प्राइसेस भी झेलनी पड़ती है और वेस्ट भी, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट होता ही है, नेचुरल है, तो वो वेस्ट को भी हमें जो है झेलना पड़ेगा या बियर करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस कैपेसिटी। इसके बाद हम प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम और सेलिंग कॉस्ट की बात करेंगे, तो यदि आप वो पढ़ना चाहते हैं तो बने रहें। थैंक यू सो मच।